क्या भारत के प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर से इतिहास बना दिया है? ज्यादातर आधारहीन बातें करने का, हवाई किले बनाने का, भौकालबाजी का, लंबी चौड़ी फेंकने का। जी हाँ, ये सवाल यूं ही नहीं है। आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से लंबा चौड़ा भाषण दिया। उनके इस भाषण में बहुत सारे भाव नजर आए, हालांकि इनमें से कोई भी नया भाव नहीं था। इतिहास को कोसने, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने, आसमानी किले बनाने का सपना दिखाने और अपने ही हाथों अपनी पीठ थपथपाने के वो सारे भाव आज एक बार फिर से देखने को मिले जो साहब ने लगातार पिछले 10 सालों में दिखाया है। आज उन्होंने एक बार फिर से कुछ ऐसी बातें कही जिन्हें गौर से समझने के बाद शर्म महसूस होने लग जाएगी। और तो और, प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेताओं को इशारों में भयंकर वाली धमकी भी दे डाली है। यानी आने वाले वक्त में विपक्ष के नेताओं के लिए स्थितियां और भयावह हो सकती हैं। देश के युवाओं को कुछ ऐसे सपने दिखाए जो सपने में भी पूरे होने की संभावना न के बराबर लगती है। साथ ही साहब ने कुछ ऐसी बातें भी बोली हैं जिन्हें कुछ लोग सरासर झूठ बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना पर बोला, एक चुनाव की बात की, सिविल कोड की बात की, बांग्लादेश की बात की, और जैसा कि हमेशा पाया गया है, चुनावी लक्ष्य को टारगेट करना साहब भूलते नहीं है। तो उन्होंने बार बार आदिवासियों को भी याद किया। अब आदिवासियों को बार बार याद क्यों किया जा रहा है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस वीडियो में हम बेहद कम शब्दों में प्रधानमंत्री के दावों और मोटा मोटी हकीकत को जांचने परखने का काम करेंगे। बहुत सारे तथ्य और आंकड़े नहीं रखूंगा। पिछले सालों में लगातार हमने जो आपके सामने प्रस्तुत किया, जो देखा, जो दिखाया, उन्हीं को स्मृति के आधार पर बस टटोलने का काम करेंगे कि साहब ने लंबा चौड़ा भाषण देते हुए कितनी तथ्यात्मक और कितनी हवाही बातें की हैं। देश के युवाओं को लेकर तो कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिन्हें सुनकर आपकी खोपड़ियां चकराने लग जाएगी। तो इससे पहले कि खोपड़ियां चकरा जाए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ये सारे काम बेहद महत्वपूर्ण हैं आपके इस चैनल की मजबूती के लिए, और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री होता है जिसके माध्यम से आप हमारी सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं साहिब के शुरुआती भाषण से। प्रधानमंत्री ने करना शुरू किया कि हमारे पूर्वज जो 40 करोड़ की संख्या में थे, उन्होंने विदेशी ताकतों को हरा दिया। हम भी अगर करोड़ों की संख्या की जनसंख्या के रूप में, यानी 140 करोड़ की जनसंख्या के रूप में संकल्प लेकर आगे चल पड़े तो 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। यानी अब तक के हमारे प्रधानमंत्री पंचवर्षीय कार्यक्रमों के लक्ष्य रखा करते थे, जिससे 5 साल में उनके काम का हिसाब किताब समझ में आता था। साहब ने भी पिछले सालों में 2022 तक का बहुत सारा टारगेट बनाया था, ज्यादातर टारगेट फेल होते नजर आए या फिर पूरी तरह से हासिल नहीं हुए। चाहे उसमें सबको अपना घर देना हो, किसानों की आय दोगुनी करनी हो, 100 स्मार्ट सिटी बनानी हो, स्वच्छ भारत अभियान हो या फिर कोई अन्य वादा, शायद यहीं से आइडिया आया होगा कि टारगेट लंबा रखो, इतना लंबा रखो कि तब तक न हिसाब लेने वाला रहे न हिसाब देने वाला रहे। तो विकसित भारत को बार बार इन्होंने दोहराया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप इनके नारों की आलोचना करें, ऐसे नारों की आलोचना करें, सवाल करें, तो कहा जाएगा कि क्या तुम विकसित भारत नहीं देखना चाहते, क्या तुम भारत के दुश्मन हो। मगर समझने वाली बात यह है कि जिस देश में 80 करोड़ से अधिक लोग मुफ्त राशन के भरोसे जिंदा हैं, अपने दम पर 2 टाइम का भोजन नहीं कमा सकते, वहां विकसित राष्ट्र की बात करना और दम भरना यह अपने आप में कोरी कल्पना ही नजर आती है। बाकी कल्पनाओं में जीने वालों के लिए यह नारा बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने देश को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना नहीं चाहेगा। यह बात ठीक वैसे ही है कि आपके तन पर कपड़े नहीं, खाने को भोजन नहीं, सिर पर छत नहीं और आप दिन रात दुनिया का 2 नंबरी सेठ बनने का सपना देख रहे हो, काम कुछ न करें, जबकि ये सब जानते हैं कि दुनिया का 2 नंबरी सेठ बनने के लिए राजनीति के शीर्ष पर अपना परम मित्र बैठा होना चाहिए। बहरहाल साहब का दावा है कि विकसित भारत के सपने के लिए देश के करोड़ों लोगों ने उनको सुझाव भेजे, यानी भारत के सामान्य नागरिकों ने करोड़ों की संख्या में उनको सुझाव भेजे। अब इस देश की आबादी 140 करोड़ के आसपास है, साहब ने करोड़ों बोला है, तो आप अपने आसपास जरा पता लगाइए कितने लोगों ने विकसित भारत के लिए साहब को सुझाव भेजा है। लेकिन यदि इनकी बातों को सही भी मान लें तो इन्होंने जो सुझाव पढ़े हैं, जो बताए हैं, उनको जरा सुन लीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग भारत को मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं। ग्लोबल शब्द पर ध्यान दीजिएगा। साहब का कहना है कि भारत के लोग भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, जबकि पिछले 10 सालों में चीन से आयात बढ़ता ही जा रहा है। लोग तो चाहते हैं कि ग्लोबल हब बने, लेकिन साहब आपने 10 साल में क्या किया ग्लोबल हब बनाने के लिए, आप वो तो बता दीजिए। उसका कोई जवाब नहीं, कोई हिसाब नहीं। और सुनिए, अभी सर पीटना बाकी
की है। साहिब को सुझाव मिला है कि भारत की यूनिवर्सिटी ग्लोबल यूनिवर्सिटी बने, जबकि पिछले 10 सालों में विश्वविद्यालयों का कैसा कबाड़ा किया गया संगठित तरीके से, ये आप सब ने, पूरी दुनिया ने देखा है। इतिहास में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि कोई देश, उसकी सत्ता और सत्ताधारी दल के लोग संगठित तरीके से गोदी मीडिया को लगाकर, आईटी सेल को लगाकर अपने ही विश्वविद्यालयों को बदनाम करते हों, वहां की शिक्षा व्यवस्था को डिस्टर्ब करते हों और अपनी विचारधारा जबरदस्ती थोपी जा रही हो। जेएनयू के साथ इसी सत्ता के दौरान क्या कुछ नहीं हुआ याद करिए। और सवाल यह भी है कि जब आप भारत की यूनिवर्सिटीज को ग्लोबल बनाना चाहते हैं तो 10 साल में आपने क्या किया, ये बता देते तो कितना अच्छा होता। कुछ तो रैंकिंग में सुधार हुई होगी, बता देते। इसी तरह से साहब ने मीडिया को भी ग्लोबल मीडिया बनाने की बात कहा। ये वाला सुनने के बाद तो मुझे भी हंसी आ गई। हालांकि चेहरे पर हंसी थी, दिल में बड़ा दुख था। जिस व्यक्ति ने नेशनल मीडिया को लोकल भी नहीं छोड़ा, जिसने लोकल मीडिया तक को सांस लेने की आजादी नहीं दी, हर मौके पर उसका गला दबाने की कोशिश की, वो मीडिया को ग्लोबल मीडिया बनाना चाहता है। जिसने अपने पैरों पर चलती फिरती मीडिया को गोदी मीडिया में तब्दील कर दिया, पत्रकारों को लपरझंडिस बना दिया, वो ग्लोबल मीडिया के सपने देख और दिखा रहा है। वैसे साहिब के इन सपनों से याद आया, ऐसा लगता है दोनों परम मित्र एक ही तरह का सपना देखते हैं। पिछले दिनों एनडीटीवी पर कब्जा करने के बाद सेठ भी ग्लोबल मीडिया की बात कर रहे थे। वैसे एक बात आप ये भी जानते हैं, साहिब जो बोलते हैं वो डेफिनेटली नहीं करते। तो सवाल यह है कि क्या भारत में मीडिया यहाँ की यूनिवर्सिटीज का और बंटाधार होने वाला है, स्थिति और खराब की जाने वाली है क्या। इसी तरह से उन्होंने कहा कि स्किल्ड युवा विश्व की पहली पसंद है, हम चाहते हैं कि भारत में स्किल्ड युवा पूरी दुनिया में जाए। अब सवाल यह है कि स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम तो बड़े जोर शोर से शुरू किया गया था, न जाने कितने करोड़ या अरब रुपया फूंक दिया गया खाली प्रचार में, कितने युवाओं को विश्व तो छोड़िए भारत में नौकरी मिली। साहब यही बता देते। आत्मनिर्भर की बात भी उन्होंने उठाई, न्याय में देरी को लेकर रिफॉर्म की बात कही, स्पेस स्टेशन बनाने की बात कही, साथ ही साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी आयुर्वेद जैसी चीजों को आगे बढ़ाने की बात कही। तो सवाल यह पैदा होता है कि ये सारे काम कैसे होंगे, क्या रामदेव जैसे लोगों के भरोसे ट्रेडिशनल मेडिसिन आगे बढ़ सकता है। जो लोग इस देश की जनता से झूठ बोलकर फ्रॉड करके नकली दवाई बेचते हैं और कोविड की दवा बता देते हैं, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये लोग आयुर्वेद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बदनामी करवा रहे हैं। इसके साथ ही साहब ने दावा कर दिया कि 2.5 करोड़ परिवारों को आजादी के बाद से बिजली नहीं मिली थी, वहां हमने बिजली पहुंचा दी, और इससे भरोसा बढ़ता है। यानी इनके अनुसार इन्होंने देश के हर एक परिवार में बिजली पहुंचा दी, जो कि दावा बिल्कुल ठीक नहीं है। आज भी देश के हर परिवार में, हर गांव में बिजली नहीं है। पिछले दिनों इस बारे में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से कुछ लोगों ने मुझे फोन किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। दर्शकों ने दावा किया कि आप आइए, हम आपको दिखाते हैं। आगे साहब ने स्वच्छ भारत को लेकर भी बात की, कहने लगे कि हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है, लोग रोक टोक करने लगे हैं, नई चेतना आई है। मगर ये नहीं बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के बाद प्रचार के अलावा उन्होंने इसमें कौन सा कदम उठाया, सफाई की कितनी मशीनें आईं, सिर पर मैला ढोने का सिस्टम अब तक बंद क्यों नहीं हुआ, आए दिन सीवरों में हमारे लोग घुसने के बाद मौत के शिकार क्यों हो जाते हैं, सफाई कर्मियों की हालत बद से बदतर क्यों है, नल से जल योजना का भी जिक्र किया गया। दावा हुआ कि 15 करोड़ लाभार्थी हैं, मगर गांव में जाकर जब आप आम आदमी से बात करेंगे, यहां तक कि इसका ठेका लेने वालों से भी बात करेंगे, तो रिपोर्ट मिलेगी कि स्पष्ट शब्दों में लोग ये कहते हैं कि ऐसा लगता है ये योजना प्लांड तरीके से भ्रष्टाचार करने के लिए ही बनाई गई है, अपनों की जेब भरने के लिए बनाई गई है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश की एक रिपोर्ट सामने आई थी, हमने आपको दिखाया था कितना भयंकर भ्रष्टाचार गुजरात की कंपनियों ने मध्य प्रदेश में नल से जल योजना में किया। साहब ने दावा किया कि कोविड के दौरान हमने दुनिया में सबसे तेज वैक्सीनेशन किया। अब इस बात की जांच कैसे हो सकती है कि हम दुनिया में सबसे तेज वैक्सीनेशन करने वाले थे। हालांकि कोविड के दौरान गंगा में बहती हुई लाशें सबको याद है, यही नहीं बुनकरों को लेकर भी इन्होंने अपनी पीठ थपथपाई, जो कि सरासर झूठ है। और ये बात मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं सैकड़ों बुनकरों से जाकर व्यक्तिगत रूप से मिला हूं, और वो भी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के आसपास। खून के आंसू रोते हैं बुनकर। डबल इंजन की सरकारों ने इनके साथ जैसा बर्ताव किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इसके बाद साहब ने एक और बेहद शर्मनाक बात कही। उन्होंने कहा कि पहले आतंकी आते थे, मारकर चले जाते थे, अब सवाल यह है कि क्या अब आतंकी नहीं आ रहे हैं, हमारे सैनिक शहीद नहीं हो रहे हैं, हमारे देश की जनता नहीं मारी जा रही है। साहब ये बात कैसे भूल सकते हैं कि जिस वक्त वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उसी वक्त जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हो रहा था, और तब से लगातार लगभग 1.5 दर्जन आतंकी हमले हो चुके हैं, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई है, बहुत सारे सैनिक शहीद हुए, घायल हुए। अभी एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना हुई, एक अधिकारी शहीद हुआ। आतंकवाद की घटनाएं पहले भी थी, अभी भी जारी है, मगर शर्म की बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या 10 साल पुराने सैनिकों को अपमानित नहीं कर रहे हैं, पुरानी व्यवस्था को अपमानित नहीं कर रहे हैं कि पहले आतंकवादियों के लिए रास्ता खुला हुआ था,
आते थे, मार के चले जाते थे। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर इन्होंने अपनी पीठ थपथपाई, मगर यह नहीं बताया कि पुलवामा में हमारे 44 जवान शहीद हुए तो उसका जिम्मेदार कौन है और उस पर क्या कार्रवाई हुई, जांच क्यों नहीं हुई, क्यों इन्होंने हमारे सैनिकों को हवाई जहाज नहीं दिया, क्यों उन्हें मजबूर किया बस में बैठकर यात्रा करने के लिए। इसके अलावा इशारों में इन्होंने पुरानी सरकारों को कोसने का काम जारी रखा, जो कि हमेशा से उनकी आदत है। कहने लगे कि अब तक जो लोग सत्ता में थे वो सोचते थे कि अगली पीढ़ी के लिए हम क्यों काम करें, हमें मौका मिला है हम मजा करें, नया काम क्यों करें, नया काम करने जाएंगे कोई बवाल हो जाएगा। लोगों के मन में ये भाव आ गया था कि अब इस देश का कुछ होने वाला नहीं है, जो कुछ है उसी में गुजारा कर लो। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के दिमाग में ऐसी उल जलूल और घटिया बातें आती कहां से हैं? कौन है इस देश में जो इस कदर निराशा में जी रहा था? बल्कि निराशा को मापने का यदि कोई पैमाना हो तो सबसे भयंकर निराशा इस वक्त में इस देश में दिखेगी जब युवा निराश है, नौजवानों के सामने अंधेरा भविष्य है, मगर फिर भी भौकाल मारने में जाता ही क्या है। साहब ने कहा कि हमने बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए हैं, हमारे रिफॉर्म्स सिर्फ पिंक पेपर पर लिखने के लिए नहीं है, चार दिन की वाहवाही के लिए नहीं है, मजबूरी में नहीं है, हमने राजनीति के लिए कुछ नहीं किया, नेशन फर्स्ट के लिए किया है, राष्ट्रहित में किया है। अब सवाल यह है कि राष्ट्र क्या है? राष्ट्र है देश की जनता। आप 3 कृषि कानून लेकर आए, देश की जनता को मंजूर नहीं था। आप अग्निवीर लेकर आए, देश के युवाओं को मंजूर नहीं था। आप NRCCA लेकर आए, देश के लोगों को मंजूर नहीं था। आपने जबरदस्ती की, 750 किसानों की मौत हुई, आपकी पुलिस ने किसानों के रस्ते में किले ठोंक दिए, उन पर गोलियां चली, लाठियां चली, ड्रोन से हमले हुए, क्या ये राष्ट्रहित का फैसला था? साहब ने कहा कि हमने बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स किए, पहले बैंकिंग में लोगों को विश्वास नहीं था, विकास नहीं था। यानी देखिए, बैंकिंग सेक्टर को लेकर उल्टा ही दावा हो रहा है, जबकि आम आदमी के भीतर बैंकिंग को लेकर अब ज्यादा संदेह पैदा हो गए हैं। लोग कहने लगे हैं कि बैंक में 1,000-2,000 रुपया जमा कर दो, साल 2 साल में खत्म हो जाएगा। पहले लोग पैसा बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए बैंक में रखते थे, अब स्थिति पलट चुकी है। और जिस तरीके से आए दिन विश्वगुरु के चहेते बैंकों का कर्जा लेकर फरार हो रहे हैं, क्या वो बैंकिंग में भरोसा बढ़ाने का काम है? बैंकिंग सेक्टर में रोजगार घटता जा रहा है, आए दिन बैंकों को एक दूसरे में मर्ज करना पड़ रहा है, क्या पॉजिटिव रिफॉर्म्स है ये, या फिर बैंकिंग सेक्टर को बर्बादी के रास्ते पर ले जाने वाला काम है? साहब ने कहा कि बैंक मजबूत होते हैं तो सामान्य आदमी की स्थिति सुधरती है, किसान को ताकत मिलती है, किसी को होम लोन मिलता है, किसान को ट्रैक्टर लेना है तो लोन मिलता है, विद्यार्थी के लिए एजुकेशन लोन मिलता है। अब ये सारे लोन कितने महंगे हो गए हैं, एक वक्त में होम लोन काफी सस्ता होता था, और अब स्थिति ये है कि होम लोन लेने का मतलब है कि आपको कई गुना कीमत चुकानी पड़ेगी घर की। आम आदमी को लोन कितनी मुश्किलों से मिलता है और उसके लिए कौन कौन से पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये बात आम आदमी ही जानता है। बड़े बड़े सेठों के मित्र क्या जाने, जिनके साथ SBI की चीफ विदेशों में बैठकर मीटिंग करती हूं, जिन्हें बिना मांगे लोन मिल जाता हो। साहब ने कहा कि देश के युवाओं को पिछले 10 साल में बदलाव देखने को मिला है, उनके सपनों को आकार मिला है, धार मिला है। अब आप यदि युवा हैं और आपके घर में यदि युवा है तो खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि उनके सपनों को कितना आकार मिला, कितना धार मिला। साहब कह रहे हैं कि भारत की साख विश्व में बढ़ी है, अब इस बात का क्या आधार है? जब अपने ही सारे पड़ोसी दुश्मन बनने को आतुर हैं तो बाकी किस विश्व की बात की जा रही है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। भारत के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, एक वक्त में जो सबसे घनिष्ठ हुआ करते थे, आज दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और चीन जैसे देश उन पर हावी होते जा रहे हैं। जिस देश को भारत ने ही पैदा होने का अवसर दिया, उस देश में इतनी बड़ी घटना हो गई, तख्ता पलट हो गया, उस देश में भारत की पाकिस्तान पर जीत के स्मारकों को तोड़ दिया गया, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? एक वक्त में भारत की ही एक सरकार ने पड़ोसी मुल्कों पर नजर बनाए रखते हुए, भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश को आजाद कराया, और आज स्थिति ऐसी है कि बांग्लादेश में इतनी बड़ी घटना हो गई, ऐसा लगता है कि यहां किसी को कुछ अंदाजा ही नहीं था। वैसे अंदाजा होगा भी कैसे, जब पूरा फोकस अपनी ही कुर्सी के आसपास टिका हुआ हो, नजरें वहीं गड़ी हुई हो, तो चारों तरफ की चीजें नजर कैसे आएंगी? अगली लाइन सुनकर आपको अपना सिर पीटना पड़ सकता है। साहब ने कहा कि देश के युवाओं को दुनिया भर में रोजगार के अनगिनत अवसर मिल रहे हैं, और ऐसे ऐसे अवसर मिल रहे हैं जैसे आजादी से लेकर अब तक नहीं मिले होंगे, और ये अवसर सिर्फ मिल नहीं रहे हैं बल्कि देश के युवाओं के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। आप भी जाइए, तुरंत जाइए, देखिए कहीं दरवाजे पर कोई रोजगार का नया अवसर आ न गया हो इंटरनेशनल टाइप का, और वहीं दरवाजे पर सिर भी पीट लीजिएगा। साहब का कहना है कि अब भारत का नौजवान धीरे धीरे नहीं बल्कि छलांग मारने की इच्छा रखता है। हालांकि ये बताना भूल गए कि नौजवान बेरोजगारी और बेकारी की समस्याओं को झेलते हुए आए दिन पुल के ऊपर से छलांग मारने को मजबूर क्यों है, रस्सियों पर झूलने को मजबूर क्यों है। साहब ने कहा कि भारत के CEO दुनिया भर में धाक जमा रहे हैं, मगर ये बताना भूल गए कि भारत के CEO दुनिया भर में धाक जमा रहे हैं
हैं वो इनकी नहीं पुरानी सरकारों की देन है, वो पुरानी सरकारों के बनाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की देन है जिन्हें साहेब लगातार कोसते हैं, नकारते हैं। जिन शिक्षण संस्थानों में दुनिया को चलाने वाले लोग भारत में पैदा हुए, उन शिक्षण संस्थानों में लगातार एक विचारधारा को ठूसने की कोशिश करते हुए उन्हें बर्बादी के कगार पर ले जाया जा रहा है। हर जगह राजनीतिक षड्यंत्र की बू आ रही है। साहेब का कहना है कि हमने भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, बाकी इसी बरसात में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का नमूना पूरी दुनिया ने देखा है। कैसे एयरपोर्ट ढह जाते हैं, कैसे सड़कें फट जाती हैं, कैसे लगातार बड़े से बड़ा पुल गिर रहा है, कैसे एक्सप्रेसवे हल्की सी बारिश में बह के छितरा जाते हैं, ये सब हम लोग देख रहे हैं। साहेब ने उज्ज्वला योजना का जिक्र किया मगर ये बताना भूल गए कि करोड़ों की संख्या में उज्ज्वला लाभार्थी सिलेंडर रिफिल करवाने की औकात नहीं रखते। इतना जरूर है कि साहेब ने बार बार आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया, दलित शब्द का इस्तेमाल किया, बिरसा मुंडा को भी याद किया। हालांकि उनका भाषण सुनने से पहले ही इस बात का अंदाजा भरपूर था कि इन चीजों का जिक्र बार बार किया जाएगा। वैसा ही हुआ। साहब ने कहा कि आज भारत का पूर्वोत्तर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, ये बताना भूल गए कि आज भारत का पूर्वोत्तर मणिपुर की हिंसा के लिए भी जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है। मगर साहब की जबान से एक शब्द मणिपुर के लिए नहीं निकला। सोचिए, पिछले साल 3 मई के बाद से लगातार मणिपुर में आग लगी है और अपने आप को 56 इंची कहने वाले, विश्वगुरु कहलवाने वाले लोग एक बार भी मणिपुर का नाम तक नहीं ले पाते, जाना तो बहुत दूर की बात है। साहब ने दावा किया कि उन्होंने प्रति व्यक्ति आय को दोगुना कर दिया, ये बताना भूल गए कि व्यय को कितना गुना कर दिया। देश की स्थिति आज जैसी है कि आलू गोभी की सब्जी वीआईपी कल्चर का रूप ले चुकी है। लोगों की थाली से दाल और सब्जियां गायब होती जा रही हैं, बचत घटती जा रही है और साहब आय दोगुनी करने का दावा कर रहे हैं। वैसे यहां यह भी कहा जा सकता है कि हो सकता है साहब 2 ही 4 व्यक्तियों की बात कर रहे हों जिनकी आय दोगुनी ही नहीं बल्कि कई गुनी हो गई। उन्होंने कहा कि देश में खूब सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है, दावा किया कि कोविड के बीच इकोनॉमी को कैसे तेजी से भारत ने बढ़ाया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोविड के दौरान क्या आपकी इकोनॉमी बढ़ी या घटी? इसके उलट यदि आप साहेब के करीबी मित्रों की इकोनॉमी पर ध्यान दें तो कोविड के दौरान जब हम और आप खाने पीने को मोहताज थे, परम मित्रों की संपत्ति दिन दुनी रात चौगुनी गति से बढ़ रही थी। जो लोग कभी 650वीं रैंकिंग रखते थे अमीरी के मामले में, वो कोविड के बाद दुनिया के 2 नंबर ही अमीर बन गए। वैसे हमने आपको बार बार बताया कि साहेब के देश का मतलब मित्र होता है। यहां भी इकोनॉमी के मामले में जब देश की इकोनॉमी की बात हो रही है तो मित्र की इकोनॉमी ही समझ लीजिए। अगली बात उन्होंने अजीब टाइप की कह दी, कहने लगे कि जात पात पंथ से आगे बढ़कर अब देश में हर घर तिरंगा फहराया जाता है, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं, सभी लोग तिरंगा फहरा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भारत में कभी भी ऐसा था कि तिरंगा फहराने में कोई ऊंच नीच थी? जाति देखकर या धर्म देखकर लोग तिरंगा फहराते थे? हमने तो आज तक ऐसा नहीं देखा। हाँ, इतना जरूर है कि आरएसएस के लोग कई दशक तक तिरंगे को अपना नहीं मानते थे, उन्होंने अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। अब साहेब उसकी बात कर रहे हो तो यह सच हो सकता है, मगर तिरंगा फहराने में कभी भी कोई ऊंच नीच या जात पात इस देश में लोगों ने नहीं देखी है, नहीं की है। साहब ने दावा किया कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर कर दिया। अब सवाल यह है कि 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, यानी वो गरीब हैं, 25 करोड़ लोगों को आपने बाहर कर दिया, तो इससे पहले देश में गरीब कितने थे और आपने 25 करोड़ लोगों को बाहर कर दिया, ये आंकड़ा कहां से आता है? प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि देश के युवाओं को विदेश में पढ़ने के लिए न जाना पड़े बल्कि विदेश के लोग यहां पढ़ने के लिए आए, भारत में आए। कहां तो जवाब यह देना चाहिए था कि पिछले 10 सालों में इतनी बड़ी संख्या में छात्र विदेश जाने को मजबूर क्यों हुए? आपने पिछले 10 सालों में उन्हें रोकने के लिए, यहीं पढ़ाने के लिए या फिर विदेशियों को भारत में लाकर पढ़ाने के लिए कोई प्लान क्यों नहीं बनाया? आखिर 10 साल में कुछ तो आपने किया होगा इस क्षेत्र में। जो रिपोर्ट कार्ड है उसको सामने रख दीजिए। लाखों की संख्या में भारतीय लोग अपनी नागरिकता छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं, बहुत सारे अरबपति और इंटेलेक्चुअल्स भारत छोड़कर विदेशों में जाकर बस रहे हैं। यह कैसा विश्वगुरु का भारत है? तो कितना अच्छा होता कि भविष्य के सपने और कोरी कल्पनाओं को दिखाने की बजाय अपना रिकॉर्ड दिखा देते। अभी रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान हमने देखा हजारों की संख्या में मेडिकल के छात्र विदेशों में फंसे हुए थे, वहां से वापस आने के बाद उनकी पढ़ाई अधर में लटक गई, उनके लिए कोई व्यवस्था समयबद्ध तरीके से करने में पूरी तरह से असफल रहे। मगर बातें सुनिए तो बातों में बिल्कुल विश्वगुरु टाइप के हैं। साहब ने कहा कि मेडिकल एजुकेशन के लिए 25,000 छात्र हर साल बाहर जाते हैं, अगले 5 साल में हम 75,000 नई सीटें भराएंगे। मगर सवाल यह है
कि जो सीटें हैं वहां तो आप समय से एडमिशन नहीं करवा पा रहे हैं, एक परीक्षा तक कायदे से नहीं करवा पाते। नीट का मामला आपको याद ही है, कितने बड़े बड़े आरोप लगे, पर्चा लीक से लेकर क्या कुछ देखने को नहीं मिला, मगर आप लोग खाली बात सुनते रहिए। किसानों का जीवन आसान करने, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं देने, इंटरनेट और बच्चों को स्मार्टफोन तथा किसानों के बच्चों को रोजगार देने की बात कही साहब ने, बाकी ये नहीं बताया कि देश में कितने हजार किसान प्रतिवर्ष अपना जीवन स्वतः समाप्त करते हैं और क्यों करते हैं। जब सेठों का कथित 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया जा सकता है लोन, तो फिर देश के किसानों को छोटे छोटे कर्जों के कारण अपना जीवन समाप्त करने की जरूरत क्यों पड़ती है। साहब ने बेटियों पर अत्याचार का जिक्र किया, आप भी जानते हैं ये जिक्र सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर ही उन्होंने किया, जबकि पश्चिम बंगाल की सरकार वो सारे काम कर रही है जो एक सरकार को करना चाहिए, मगर इसके बावजूद सरकार की आलोचनाएं होनी चाहिए, सवाल होते रहने चाहिए। बात बिल्कुल सही है, मगर बात जब साहब की आती है, बीजेपी के लोगों की आती है, तो सवाल उठता है कि यही ज्ञान तब क्यों नहीं दे पाते जब उन्हीं के सांसद पर देश की महिला खिलाड़ी के साथ यौन शोषण का आरोप लगता है, जब उन्हीं के आईटी सेल के गुर्गे बीएचयू की एक छात्रा के साथ बंदूक सटाकर दुष्कर्म करते हैं, तब साहब का यह ज्ञान कहां चला जाता है। इसके बाद एक और शर्मनाक बात उन्होंने कही, और वो ये थी कि 10 साल पहले भारत में गौरव के भाव का अभाव हो गया था, यानी हमारे भीतर गौरव नहीं था अपने देश को लेकर। सवाल यह है कि साहब ये देश की स्थिति बता रहे हैं या अपनी मनोदशा बता रहे हैं। 10 साल पहले लोगों के भीतर देश को लेकर गौरव नहीं था और आज है, इसका कौन सा पैरामीटर है इनके पास जिसके आधार पर इन्होंने ये बात कह दी है। साहब का कहना है कि पहले खिलौने भी बाहर से आते थे, तो सवाल यह है कि चीन से आपका इंपोर्ट बढ़ता क्यों जा रहा है, व्यापार घाटा बढ़ क्यों रहा है। साहब ने कहा कि पहले मोबाइल फोन बाहर से आता था, लेकिन ये नहीं बताया कि अब भी बाहर से ही आ रहा है, यहां खाली असेंबलिंग हो रही है, पेच लगाया जाता है, और वो काम करने के लिए भी देश का कितना पैसा झोंक दिया गया, कितनी छूट दी गई, ये भी पता लगाते रहिए। आगे प्रधानमंत्री ने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होने की बात कही। अब आपको याद दिला दें, अभी कुछ दिन पहले ही इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ ने कहा कि देश की सुरक्षा की कीमत पर आत्मनिर्भर का नारा नहीं दिया जा सकता, यानी भारत की सेनाओं को जिन चीजों की जरूरत है वो उन्हें नहीं मिल पा रही है, सुविधाओं की बहुत कमी है, सप्लाई की कमी है, और इधर साहब अपने ही रंग में रंगे जा रहे हैं, सेनाएं कुछ कह रही हैं, साहब कुछ कह रहे हैं। इसी तरह से एक बार फिर से उन्होंने G20 का राग अलापा, मानो बहुत बड़ा कारनामा कर दिया हो, करोड़ों अरबों रुपए फूंक कर इस देश का फूंक दिया, जिसका रिजल्ट नील बटा सन्नाटा है, और फिर अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को बराबर में लाना है, मगर सवाल यह है कि कैसे लाना है। भाजपा नेताओं द्वारा आदिवासियों के मुंह पर पेशाब करवा के, उनके जंगलों को कटवा कर, उनकी जमीनों को सेठ के नाम करके, उनके हकों को मार कर, उनके ऊपर उल जलूल धाराएं लगाकर, उन्हें जेलों में ठूस कर, उन्हें देश विरोधी बताकर आदिवासियों को आखिर कैसे बराबर में लाना चाहते हैं। बाकी आदिवासियों का जिक्र बार बार क्यों हो रहा है, ये आप सब भी जानते हैं। आगे साहब ने कहा कि नेक नियत और ईमानदारी से हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। मुझे मालूम है कि मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा से चुकानी पड़ती है, मगर राष्ट्र से बड़ी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। वाह, कितनी बढ़िया बात है, ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बात कह रहे हैं। बाकी साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो आप सब देख ही रहे हैं। देश के जितने भी नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर से गंभीर आरोप लगे, वो सब प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के साथ है। इन्हीं की पार्टी कांग्रेस के जिन नेताओं पर तथा NCP के जिन नेताओं पर, TMC के जिन नेताओं पर भयंकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, उनमें से किसी को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को उप मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को मंत्री बना दिया। विपक्ष के जिस भी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप इन्होंने लगाए, छापेमारियां हुई, वो सब या तो बीजेपी में है या तो जेल में है। सवाल यह है कि जेल बीजेपी है या बीजेपी जेल है। और इसके बाद ज्ञान दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि जब भ्रष्टाचारियों को, तथाकथित भ्रष्टाचारियों को आप बड़े बड़े पदों पर बिठाते हैं, CM बनाते हैं, DC बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, अपने गले से लगाते हैं, उन्हें सत्ता सौंपते हैं, तो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कौन कर रहा है? क्या यह भ्रष्टाचार का महिमा मंडन नहीं है? और इन सबसे बड़ा सवाल, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचार का आरोप साहब आपके ऊपर लगा है। कानून बनाकर लूट मचाने, डकैती करने का आरोप आपके ऊपर लगा है। PM केयर फंड में आपने पूरे देश से चंदा वसूला, यहां तक कि चीन की कंपनियों से भी चंदा लेकर खा गए, हिसाब तक नहीं देते। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और चोरी डकैती क्या हो सकती है? ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, राफेल से लेकर पेगासस तक, अयोध्या में जमीन से लेकर सड़कों के निर्माण तक, एयरपोर्ट के निर्माण से लेकर शेयर मार्केट तक, अडानी से लेकर सेबी तक, जहां भी देखिए भयंकर भ्रष्टाचार के आरोप आपके ऊपर लगे हैं, और आप भ्रष्टाचार का महिमा मंडन नहीं करने का ज्ञान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों से दूरी बनाना सही होता है, ये लोग दीमक की तरह देश को चाटते हैं। तो साहब, यदि आप भ्रष्टाचारियों से दूरी बना लेंगे तो आपकी पार्टी खाली हो जाएगी, और सबसे पहले तो कुर्सी खाली हो जाएगी। जितना भ्रष्टाचार के आरोप आपकी पार्टी में और आपके आसपास के लोगों पर लगा है, उतना कहीं और नहीं है। साहब ने
परिवारवाद पर भी ज्ञान दिया। कहने लगे कि राजनीति में फ्रेश ब्लड की जरूरत है, 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाना है जिनके परिवार का राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, जिनका कोई रिश्तेदार राजनीति से जुड़ा हुआ न हो। मगर सवाल यह है कि पिछले 10 सालों में जब आपके पास मौका था तब तो आपने नए लोगों को राजनीति में मौका नहीं दिया, तब तो आपने चुन चुन कर परिवारवादियों को ही अपनी पार्टी में लाया, यहां तक कि जिनके ऊपर भयंकर भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोप लगे थे उन सभी परिवारवादियों को भी आपने बटोर लिया। तो फिर आप परिवारवाद पर किसको ज्ञान दे रहे हैं? साहब कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का माहौल पैदा करना चाहता हूं, कार्यवाही होती रहेगी। अब चर्चा है कि लाल किले की प्राचीर से उन्होंने विपक्षी नेताओं को धमकाने का प्रयास किया है क्या? आपको याद होगा मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले साहब ने वहां जाकर एनसीपी के नेताओं को धमकी दी थी, जेल भेजने की बात कही थी। इसके बाद अजीत पवार अपने चाचा का साथ छोड़कर पार्टी तोड़कर बीजेपी के साथ आ गए, डिप्टी सीएम बन गए। इनके ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला करने का आरोप प्रधानमंत्री अपनी ही जबान से लगा रहे थे और अब सीधे सीधे लाल किले से धमकाने का काम हो रहा है क्या? साहब ने बांग्लादेश पर भी बात की और कहा कि पड़ोसी होने के नाते हमें चिंता है, हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का राग भी अलापा और कहा कि देश में बार बार चुनाव होने से प्रगति में रुकावट आती है। अब सवाल यह है कि देश की जो चुनावी व्यवस्था एक लोकसभा का चुनाव 7 चरण में करवा रही है, महीनों तक का समय लग जाता है, उसमें भी घपलेबाजियों के तमाम आरोप लगते हैं, निष्पक्षता और ईमानदारी बहुत दूर नजर आती है, चुनाव आयोग जवाब देने की स्थिति में नहीं होता, आप एक चुनाव कैसे करवाएंगे? दूसरी बात यह है कि बार बार चुनाव होने से कम नेता मजबूर होता है जनता की बात सुनने के लिए, जनता के बीच जाने के लिए। जब चुनाव 5 साल में आएंगे तो साहब जनता की समस्याओं में तो आप 5 साल के लिए मिस्टर इंडिया बन जाएंगे यानी गायब हो जाएंगे। अभी कम से कम बार बार चुनाव होने से चुनाव की वजह से ही आप मजबूर तो होते हैं जनता की बात करने के लिए, तब तो 5 साल में एक बार चुनाव होगा, एक बार चुनाव मैनेज होगा और फिर 5 साल की छुट्टी। प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की और कहा कि देश में सेक्युलर सिविल कोड होना चाहिए, कम्युनल सिविल कोड नहीं। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं वो आधुनिक समाज नहीं बनाते। बताइए जिस भाजपाई डबल इंजन में ज्यादातर काम धर्म के आधार पर ही होने के आरोप लगते हो, चाहे वो बुलडोजर चलाने का मामला हो, चाहे NRCCA का मामला हो, लोकतंत्र में हिस्सेदारी की बात हो, वोट मांगने की बात हो, इसी बार याद करिए प्रधानमंत्री और उनके तमाम नेताओं ने मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट किया। प्रधानमंत्री ने स्वयं मुसलमानों को घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा, मुसलमानों के नाम पर हिंदू वोटरों को डराया। क्या इस देश की जनता ये सब कुछ भूल चुकी है, उसको याद नहीं है? और आज आप सेक्युलर सिविल कोड की बात कर रहे हैं? आपकी पार्टी की तरफ से ऐतिहासिक रूप से सत्ताधारी दल में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है और आप सेक्युलर सिविल कोड की बात कर रहे हैं? स्वयं आप भी और आपकी पार्टी के तमाम नेता तथा भाजपा शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री, चाहे वो यूपी के हों, असम के हों या उत्तराखंड के, सबके सब 24 घंटे सांप्रदायिक भाषणों की पहचान बन चुके हैं और आप सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर हमेशा की तरह प्रधानमंत्री का ये वाला भाषण भी ज्यादातर मामलों में अपनी पीठ थपथपाने, अब तक की सरकारों को नकारा बताने, उन पर सवाल उठाने, हवाई किले बनाने, सपनों में सपना दिखाने जैसा ही था। बाकी आप लोग भी तुरंत जाइए, अपने घर का दरवाजा चेक करिए, कहीं कोई इंटरनेशनल कंपनी आपके बच्चे के लिए नौकरी लेकर बाहर खड़ी न हो, पड़ोस वाला 2-2 नौकरी लेकर न चला जाए। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।